दोस्तों इंडियन टी20 लीग में सोमवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने मेजबान राजस्थान को 14 रन से मात दी। इस टूर्नामेंट के 12 साल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब पंजाब ने राजस्थान को उसके घर में मात दी हो। एक समय आसानी से जीत की ओर बढ़ रही राजस्थान बेन स्टॉक्स के विवादित रनआउट के बाद पूरी तरह मैच से बाहर हो गई। जी हां, आखिरी ओवर में राजस्थान के रजवाड़ों को जीत के लिए 21 रन की दरकरार थी, मगर तेज गेंदबाज अंकित राजपूत ने इस ओवर में 2 विकेट के साथ महज 6 रन देते हुए पंजाब की जीत सुनिश्चित की। राजस्थान के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर ने सर्वाधिक 43 गेंदों में 69 रन बनाए। पंजाब के लिए सैम करन, मुजीब रहमान और अंकित राजपूत ने 2-2 विकेट झटके, तो वहीं कप्तान रवि अश्विन ने 1 विकेट और 1 अहम रनआउट किया। इसके पहले क्रिस गेल के ताबड़तोड़ अर्धशतक, 47 गेंदों पर 79 रन और सरफराज अहमद ने नाबाद 44 रन के बूते 4 विकेट खोकर 185 रन का लक्ष्य रखा था। राजस्थान की ओर से बेन स्टॉक्स ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। धवन कुलकर्णी और कृष्णप्पा गौतम की झोली में 1-1 विकेट आया। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए RJ न्यूज हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।